सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो कारवां तू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। वेलकम यू ऑल इन मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर मैम अनीला एंड दिस इज़ योर सेशन नंबर 4। ओके जी, टुडेज टॉपिक इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। दिस इज़ लेसन नंबर 2 एंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। दिस इज़ पेज नंबर 5। ओके जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हाउ कैन यू कंपेयर द नंबर्स एंड हाउ कैन यू राइट इन द ऑर्डर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे है अरेंज 3621, 6321 एंड 3216 इन ऑर्डर, स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट। अब आपने इसको ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग में करने के लिए इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आपने नंबर्स को कैसे कंपेयर करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ईच नंबर इन द ईच डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, आपने राइट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे कि यू हैव थ्री वैल्यूज़। ठीक है, थ्री आपके पास यहाँ पे गिवन है। थ्री थाउजेंड्स, अब इसमें फर्स्ट सेकंड वैल्यू में जो सेकंड है उसमें देखें सिक्स थाउजेंड्स हैं एंड देन अगेन थ्री थाउजेंड्स। अब हमने सबसे पहले ये देख लिया कि थ्री एंड सिक्स दो प्लेसेस सेम हैं थाउजेंड्स की और एक डिफरेंट है। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट टू वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सिक्स थाउजेंड इज़ ग्रेटर दैन थ्री थाउजेंड। यू नो सिक्स ही ग्रेटर होगा ना थ्री से, इसका मतलब क्या हुआ कि 6321 इज़ अ ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब आपने करना है कि 600 इज़ ग्रेटर दैन, बिकॉज 600 इज़ ग्रेटर दैन 200। अब आप यहाँ पे देखो 3621 इज़ ग्रेटर दैन 3216। वाई, क्यों? क्योंकि जब हम इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, जो सिक्स वाली तो हमारी ग्रेटेस्ट हो गई ना, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब आपने सेकेंड नंबर पे बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी। अब थाउजेंड्स प्लेस पे यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, फर्स्ट और लास्ट थर्ड वाली को आपने देखना है। ठीक है, दोनों सेम है इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, हमें नेक्स्ट देखनी पड़ेगी वैल्यू। अब हम इसका हंड्रेड भी देख लेते हैं और फर्स्ट वाली का भी हंड्रेड देख लेते हैं। यहाँ पर सिक्स हंड्रेड्स हैं और यहाँ पर टू हंड्रेड्स हैं। बहुत क्लियर हो गया कि विच वन इज़ ग्रेटर। 600 इज़ ग्रेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड वैल्यू थी हमारी वो है 3621 इज़ ग्रेटर दैन 3216। ठीक है, आपने ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 6321, देन 3621 और लास्ट में नंबर आएगा 3216, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके जी, कंपेयर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। कंपेयर 25,000 एंड 32,000। अब आपने इसको नंबर ऑफ डिस्क से कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ देखें 2,000, ओके हमने राइट कर लिया। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास 5,000 हैं। हंड्रेड्स, टेंस और वंस पे कोई भी यहाँ पे आपको काउंटर नहीं गिवन। डिस्क, तो आप उन सब की जगह ज़ीरो लगा दोगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने प्लेस वैल्यू यहाँ पे वैल्यूज़ डाली है ना। अब ये देखें 3000, 2000, 0, 0, 0। अब आपने क्या करना है कि हम देखेंगे स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, और कंपेयर करते वक्त हमेशा आप लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हो। यहाँ 10,000 है, यहाँ 3 10,000 है, 2 10,000, 3 10,000। सो विच वन इज़ ग्रेटर? 3 10,000। सो 3 10,000 इज़ ग्रेटर दैन 2 10,000। तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि 32,000 इज़ ग्रेटर दैन 25,000। ओके जी, पेज नंबर 7, वर्कबुक 4A, वर्कशीट नंबर 2, सर्कल द स्मॉलर नंबर। वेरी इजीली आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। सर्कल करना है आपने पर डे आपके पास 4,589, 5,468। कंपेयर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अब आपके पास फर्स्ट यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस 4 है और यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस 5 है। विच वन इज स्मॉलर? ये जो रेड कलर में है ये स्मॉलर है, आप इसको सर्कल कर दोगे। ओके जी, बी पार्ट देखें आप लोग, 9,898। आपने जब लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट किया, देखा 9 एंड 9 बोथ आर सेम, इसलिए आपको नेक्स्ट कंपेयर करना होगा। 8 और यहाँ पे भी 8 है, अगेन सेम हो गए, इक्वल हो गए। अब हम थर्ड वाले को देखेंगे जो टेंथ प्लेस है। सो यहाँ पे 8 है टेंथ प्लेस पे और यहाँ पे 9 है टेंथ प्लेस पे। सो विच वन इज स्मॉलर?
8 इज स्मॉलर ना, तो हम बी पार्ट यहाँ पे इसमें 9889 को सर्कल करेंगे, दिस इज द स्मॉलर नंबर। सेम ग्रेटेस्ट नंबर में भी होगा, तीन वैल्यूज़ हैं, अब थ्री वैल्यूज़ हैं आपके पास यहाँ पे पार्ट ए में, 9512, 9503, 9523। अब आपने यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब ये देखिए, नाइन नाइन और नाइन ये इक्वल हो गए, सेम है, हमें अगला नंबर देखना पड़ेगा फाइव, फिर हम हंड्रेड्स पे जाएंगे, फाइव और फाइव अगेन सेम हो गए। फिर आप टेंस को देख लो, वन यहाँ पे ज़ीरो, थर्ड वैल्यू में टू है, सो इन सब में कौन ग्रेटर हुआ, वन ज़ीरो या टू, तो टू इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स कि 9523 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इसी तरह पार्ट बी भी है आपके पास, 8063, 8360, 6830। अब यहाँ पे आप देखो, दो वैल्यूज़ एट से स्टार्ट हो रही हैं और ये सिक्स है, इसलिए हम उसको तो देखते ही नहीं अभी, ठीक है। एट वाली को आप देख लो, यही दोनों ग्रेटर, इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, 8063, तो एट के बाद दोनों का सेम था थाउजेंड, तो हम हंड्रेड्स को देख लेते हैं, ज़ीरो एंड थ्री, तो ज़ीरो इज़ लेस देन थ्री, थ्री ग्रेटर है, सो इट मीन्स कि ये सेकेंड वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी, 8360, राइट। ओके जी, होप सो यू कैन डू इजीली योर होम टास्क, डू पेज नंबर 9 ऑन वर्कबुक 4A। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।